अस्सलाम वालेकुम प्राओ अल्लाह ताला दे फज़लो करम नाल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो उम्मीद करनी है तुम भी ठीक ठाक हो गए। मेरी दुआ है कि जेड़े कोई भैन भरा किसी बीमारी चुपतरा ने अल्लाह ताला उन्होंने शिफा अता फरमाए, जेड़े कोई भैन भरा परेशान ने अल्लाह ताला उन्होंने परेशानियां हल करे। सदा हंसते रहो, वसते रहो, शाद रहो, आबाद रहो, आमीन सुम आमीन। ते अज असीं बनाने लगे हां मूंगी दी दाल। ओ वेखो मम्मा ने दाल चोक के रख दिती है, बाकी आ हुण मम्मा प्याज ते सब्ज़ मिर्चां वगैरह बना लगी। मम्मा कोई मदद की जरूरत है मेरी? नहीं, आप अपनी बुक्स खोलो, पढ़ो थोड़ी देर। चलो ठीक है जी। मम्मा ने कहा जी तुसी बुक्स खोलो, अज असीं गए सी स्कूल, इन्ने दिनों बाद अज स्कूल ओपन होए ने। ऐलान होया कि बच्चे सुबह स्कूल पहुंचन, रात नूं ऐलान होया सी, फिर सुबह फिर उन्होंने दोबारा ऐलान कीता कि बच्चे अज स्कूल आन। ते अज असीं स्कूल गए ते कोई बच्चे नहीं, दो दो बच्चे, तीन तीन बच्चे आए हुए सी सारी क्लासा दे। ते साडी क्लास दे इक मैं सी ते इक होर बच्ची आई हुई सी। ते आमना आपकी क्लास में कितने बच्चे आए थे? चार बच्चे आए सी आमना की क्लास में, थोड़े थोड़े बच्चे, तीन चार, तीन चार इन्ने कोई बच्चे आए सी, क्योंकि इन्ने दिन बाद स्कूल लगे ना ते फिर बच्चे थोड़ा जा एक अद्धी छुट्टी सी कर लेंदे होंदे ने। लो जी भाई हुण जा रहे ने दरस, अगे गया होए सी बाहर भजन फिरन गया होए सी। पापा जी ने अज जाना काम तो, अगे पापा सुबह ही आ जाते होंगे लेकिन अज थोड़ा लेट आए क्योंकि काम तो वापसी ते पापा ने बाजारों होके आना सी। ते कहिंदे असीं ना सड़क ते पापा नूं वेख के आने। मैं कहा जाओ वेख आओ, साइकिल लैके गया सी, आवे खवांदे आ, साइकिल सुट दित्ती है, आ साडे भा दा काम करके चले गए। ते पापा जी ने साडे वास्ते बहुत स्पेशल चीजा लैके आनियां, ते तुसी व्लॉग लाजमी एंड तक वेखना है। ते स्पेशल चीजा लैके आनियां जेहड़ियां ओह असीं तुहानूं विखावांगे। ते आम नाल भी चीजा आनियां ने, ते मम्मा ने भी चीजा मंगवाईया ने, ओह भी आनियां ने, ते मैं भी थोड़ियां बहुत चीजा मंगवाईया ने। हुण वेखो की आंदा ते की नहीं आंदा। ते पापा कहिंदे सी चलो ठीक है जी ले आवांगा। ते ओह चीजा सारियां लैके आनियां ने। ते असीं इस वास्ते बहुत वेट कर रहे हैं। पापा जी दा थोड़ी देर पहले फोन आया ते पापा कहिंदे मैं रिश्के ते बैठ गया, बस ना अद्धे कु घंटे तक मैं पहुंच जावांगा। मम्मा कहिंदी चलो ठीक है। ते मम्मा कहिंदी पापा जी वास्ते ना हुण सालन बना लिए, घर भी सालन खत्म हो गया होया, असीं खाण लई नहीं, असीं हुणे भाई बेचारे अचार नाल रोटी खा के गए ना, कहिंदे सानूं बस जल्दी सानूं दे दो। ते मम्मा कहिंदी चलो हुण मैं सालन बना लैनी हुण। मम्मा प्याज कट रही, बाकी सारा समान जिहड़ा हुण मम्मा बनाएगी। गुठियां भी कहतियां सी। लो जी आमना ने हर चीज पापा नूं दसी सी भी की चीजा ले आनियां ने। ते हले तां आमना ने लिस्ट बना के दिती सी भी मेरियां आ चीजा आनियां ने। ते अंगूठियां सी ते ओ जिहड़ियां इन्ने लाखड़ लुकट कह सी, मम्मा नूं कहिंदी सी मैनूं लिया के देने, ते मम्मा ने नहीं लिया के दिते। ते हुण पापा नूं कह दिता वेखो हुण आंदे ने कि नहीं आ, ते लक ते डिपेंड करदा है क्योंकि पापा दा भी मूड कदी भी चेंज हो सकदा है। लो जी हुण मम्मा बनाउण लगी है हांडी। हांडी नहीं दाल, जो भी सालन। क्या सालन? सालन बनाने लगे हो? दाल का सालन। हाँ चलो जी, ये दाल धोई है भला? हाँ जी। हाँ मुझे लग रहा है धोई है। देखो दाल धो धू के ते मम्मा ने फिर सारा काम किया है शुरू। देखो हुण मम्मा हल्दी हुल्दी कढ रही है ते बाकी सारियां चीजा। मम्मा बता दो अभी भी कोई काम है तो? नहीं बस मैंने बोला ना कि आप जाके पढ़ो। ओके ठीक है। मम्मा जी। हाँ जी। इधर आग क्यों जला रहे हो? मजा आ रहा है। क्यों? उधर से सिलेंडर मुक गया। लो जी सिलेंडर गया मुक। हंडिया पक गई थी क्या? नहीं नहीं हंडिया नहीं बनी, इसीलिए तो आग जला रही हूँ। आग भी बड़ी मुश्किल से चल रही है। जल गई हो देखो जी, खलारा खलूरा पाया है सिलेंडर आया ले आया भी, चलो कोई चल चू जाए, लेकिन सिलेंडर नहीं क्या मैं तो नहीं आज चलना जी। पापा जी हले तक नहीं आए ते मम्मा बड़ी परेशान हो रही भी, पता नहीं क्यों नहीं आए हले तक, काफी देर हो गई है। हम बार बार फोन भी तो नहीं कर सकते, फिर पापा में डिस्टर्ब होंगे ते फिर गुस्से भी होना, सफर करके आना। ते मम्मा जी कह रही है अल्लाह ही खैर करे। बिस्मिल्लाह। चलो जी कितनी का पक गई थी? वो तो अभी पानी डालना ही था। नहीं बस बन बनी थोड़ी देर, 10 मिनट और लगेंगे। अच्छा चलो अल्लाह के सपुर्द पापा घर आ जाए। खैर खैरियत से आए। आमीन। Thank you.
लो जी मने रोटियां पका लिया ने, सालन भी पक गया सी ते नाल ही मने रोटियां भी पका लिया ने। ए वेखो मम्मा कहंदी बार बार होना चूल्हा चलाना सौखी गल ते नहीं है। अब सालन क्यों पर कम्मा बेटा थोड़ी सी कमी कसर थी अभी तो मैंने कहा फिर अब वो आग तेज थी ना। हाँ तो मैंने कहा ये खराब हो जाएगा फिर इसलिए। चलो ठीक है जी, मैंने कहा पहले रोटियां बना लो। ते असर दियां जाना हो गईयां ने ते पापा जी हले तक नहीं आए। अल्लाह खैर करे, टेंशन बहुत हो रही है। अल्लाह करे खैर खैरियत ना लाए। आमीन। पापा ने तो फोन करके कहा था आधे घंटे तक आ जाऊंगा, अब तो काफी देर होगी, दो तीन घंटे हो गए। अल्लाह खैर करे, मुझे खुद टेंशन हो रही है बेटे। कोई बात नहीं, ना इतनी टेंशन लो, आ जाएंगे थोड़ी देर तक। चलो जी पापा हुरे जेड़े ने आ गए ने। ए देखो जी साडा बड़ा बैग आया। पापा खोल ले ए, पापा लेके आए ने। पापा की पी पी हो गई। ए देखो जी ए साडा नया बैग आया। ए तुमने गांठ दिसी जोने शॉप पर। शाबाश, पानी दे दो पापा ने, पहले बैग खोलन लग पए तुसी। वाव किन्ने दा आया पापा? तू पैसे देने? हां जी इतना। वाह ट्रैवल लाइन लाओ 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 चैलेंज ले जी। ये है हमारा बैग। चलो जी थैंक यू पापा। लो जी सिर्फ पापा लेके आए ने एक साडे लिए टैची, बाकी असि पापा नु इन्नियां चीजां कहियां सी लेकिन पापा नहीं लेके आए। पापा कहंदे बेटा परसों चौथ तक ना आपा जावांगे सारे जने बाजार, पापा ने काम तो आना है। ते पापा कहंदे तुसी भी सारे इधरों आ जाए जी शहर ही, ते फिर आपा सारियां चीजां लै लांगे। ते जैन बड़ा खुश है, इन्होंने वेस्कोटा वगैरह लैनियां ने। ते पापा जी तुसी वैसे आ सही काम कीता, असि नाल जावांगे ते आपदी मर्जी दियां ले आवांगे, है ना? ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹ ਵੋ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਪਾਪਾ ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਨ ਵੇਸਕੋਟ ਲੈਣੀ ਕਿ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੇਸਕੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਲਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। दो फराकां, अच्छा एयर कैच, अच्छा कांटे, अच्छा कोके, दो कोके लेके देने आमना, एक इधर पावना एक इधर पावना। ते आमना की अम्मी को क्या लेके देने? छोलखी, अच्छा ए हार, अच्छा जुतियां, अच्छा जो कुछ आमना कवे दी हर चीज ले दे। वाह 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 वा, माशाल्लाह। घड़ियां, अच्छा आमना ने तीन घड़ियां ले दी, एक इथे पावनी एक इथे पावनी। ते मेनू
ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਵੇਖੋ ਐ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੈ ਪਾਪਾ ਐ ਆਈਫੋਨ ਲਿਆ ਸਲਮ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਹੈ ਪਾਪਾ ਆਈਫੋਨ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਲੇਕਿਨ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੋ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਵੋ ਥੋੜਾ ਸੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੋਰੋ ਹੁਣ ਲੋਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਖੋ ਦੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਮਾਰ ਲਿਓ ਚੁਟਕੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਧੋਰੀ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਸੋਕਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਾਪਾ ਸਰਦੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤਰੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੇਲੇ ਸੀ ਖਾ ਖੂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ 5-5 ਦੇ ਦੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਿਓ ਅੱਬੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਗ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਵੇ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਟੈਚੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਟੈਚੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਟੈਚੀ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਟੈਚੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੈਗ ਸੀ ਹੱਥ ਚ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੈਚੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੈਚੀ ਲਈ ਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟੈਚੀ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਾਉਂ ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰ ਸੂੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਝੋਲੇ ਚ ਪਾਈਦਾ ਸੀ ਚਾਲੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 4-5 ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਚੀ ਵਿਖਾਣੀ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਟੈਚੀ ਅਟੈਚੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਟੈਚੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਏ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆ ਟੈਚੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਫੜਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਟੈਚੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉੱਤੇ
देखो आ टैची जिहड़ा साडा सही टैची, इहनूं पहले मैं खड़ा करनी आ ते इहनूं कर लैने आ जी बंद। ठीक है, उस तो बाद मैं तुहानूं विचों आ ली जेपे जी, ऐ मेकअप शेकअप पाउण दी जेपे, ऐ वेखो ऐ विच वी इधर अंदर नूं वी है, ते उस तो बाद आ जेपे आ कोई छोटी मोटी आदा ब्रश ब्रुश टूथपेस्ट ये वो चीजा रखन वास्ते, ते उस तो बाद आ ए जी सब तो वड्डी जिप ऐदा खुल्ला है, ते लो जी ए विचो साडा अटैची, ए वेखो इन्दे विच कोई छोटी मोटी खुफिया जेब नहीं है, वेखो आ इत्थे ए ट्रोली विच जिहड़ी लगी हुंदी है ये वो होना खोलना नहीं, ते आ वेखो जी आ उत्ते जेब हुंदी है जिहड़ी, ते आ इत्थों करके इंदी जिहड़ी थोड़ी जी जाली खराब है, बाकी बहुत सोहना साडा अटैची चीजां इंदे च सही साडियां पूरियां आ जांदियां। साडे सारिआं कोल है सी अटैची ते साडे कोल नहीं है सी, ते हुण साडे कोल भी अटैची है ते असीं बड़े खुश हाँ। ते चलो ठीक है जी, तुसीं वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल सबसक्राइब करना नहीं भुलना। अल्लाह हाफिज़।